दिल्ली में घर खरीदना चाहते हो, आपको 1 BHK चाहिए, 2 BHK, 3 BHK, आज मैं आपको ले गया था प्रताप बिल्डर्स में। दोस्तों आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल मिलने वाली है। अगर बात करें लोन फैसिलिटी की, 90% तक आपको यहाँ पे लोन फैसिलिटी अवेलेबल मिलने वाली है। और दोस्तों जो भी आपके फ्लैट्स होंगे सारे प्राइम लोकेशन पे होंगे, मेट्रो के नियर बाई होंगे। अगर बात करें मार्केट की, स्कूल्स की, सारी फैसिलिटी आपको आपकी प्रॉपर्टी के नियर बाई मिलने वाली है। दोस्तों अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ मैं अपनी बिल्डिंग का बहुत ही शानदार एलिवेशन, और दिखाना चाहूंगा 35 फीट वाइड रोड। सो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार 35 फीट वाइड रोड है, और साथ ही साथ एलिवेशन का एक जरा झलक आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट हैव द लुक एट द एलिवेशन। उसके बाद आपको डायरेक्टली लेके चलते हैं अपनी बिल्डिंग की पार्किंग की तरफ। आइए बिल्डिंग की पार्किंग के अंदर, जिस पार्किंग की USP जैसे ही मैं एंटर करूं मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी इस पार्किंग का व्यू देखते ही मजा आ गया होगा, क्योंकि बॉटम से लेकर टॉप तक इसके अंदर पूरी टाइलिंग करके दी जा रही है। साथ ही साथ आप फॉल सीलिंग में देख सकते हैं सारी लाइटिंग लगा के दी जा रही है, और पार्किंग पार्किंग का व्यू जो है वो पार्किंग का व्यू ना होते हुए एक बैंक्वेट हॉल का फील आ रहा है, बिकॉज बॉटम से लेकर टॉप तक पूरी टाइलिंग कर दी गई है। और इस तरीके से उसका गेटअप दिया गया है कि किसी भी फैमिली को अपना पार्टी फंक्शन करना है, गेट टूगेदर करना है, शायद पूरी उम्र हर इंसान के लिए छोटे छोटे फंक्शन घर में होते रहते, तो पार्किंग इतनी शानदार बना के दी गई है। दिखाना चाहूंगा पूरी पार्किंग की, लुक पूरी पार्किंग में देयर इज नो ग्राउंड फ्लोर, पूरी बॉटम से लेकर टॉप तक टाइलिंग, और बहुत ही शानदार क्लासी लिफ्ट, बहुत ही अच्छी लिफ्ट आपको इसके साथ में लगा के दी जा रही है। इसकी 2 साल की AMC आपको करवा के दी जा रही है, और साथ ही साथ सबके लिए सेपरेट पानी के मीटर, बिजली के मीटर, सारे प्रोविजंस आपको लगा के दी जा रही है। दिखाना चाहूंगा सेपरेट हमने एक सेक्शन बनाया है जिसके अंदर हम यहाँ पर सारा दिल्ली जल बोर्ड का पानी वगैरह का सारे कनेक्शन और मोटर्स आपको लगा के दिए जा रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर दिल्ली जल बोर्ड का पानी, समरसिबल दोनों कनेक्शन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ ही साथ सबके सेपरेट मीटर्स। और दिखाना चाहूंगा बहुत ही शानदार लिफ्ट, और चाहूंगा अब आपको डायरेक्टली लेकर अपने फ्लैट की तरफ, लेट्स गो। तो आ गए हम अपने फ्लैट की एंट्रेंस पे बहुत ही शानदार लिफ्ट के साथ। सो ये हमारी फ्लैट की एंट्रेंस है जिसमें आप देख सकते हैं रवि बहुत ही शानदार 5 फीट हाइट तक के टाइल्स आपको लगा के दिए जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की सिलन वगैरह की समस्या ना आए। सारी की सारी लॉबी के अंदर भी प्रॉपर ग्रेनाइट यूज किया गया है, कुछ और नॉर्मल टाइलिंग नहीं लगा के दी जा रही, प्रॉपर ग्रेनाइट का यूज किया है इसके अंदर। अब स्टार्टिंग में देख सकते हैं MCV हमारे सारे के सारे ब्रांडेड है, ओरियंट के सारे MCVs हमने यूज करे, सारी की सारी मेन की वायर्स जितनी भी यूज की गई है सारी पॉलीकैप की वायर्स यूज की गई है। आप देख सकते हैं एंट्रेंस पे आपको लाइट लगा के दी जा रही है, तो आपके बिल्कुल एकदम सबके आपका इंडिपेंडेंटली कनेक्शन आपकी लाइट के साथ है। आप देख सकते हैं ये दिस, सो ऐसा नहीं है कि ये कॉमन पोर्शन के लिए अलग है, ये कुछ है हर एक की लाइट है अपने फ्लैट से एंट्रेंस से कनेक्टेड। सो ये सबसे पहले एंट्रेंस पे दिखाते हैं कि 8 फीट का डोर आपको लगा के दिया जा रहा है, मेरी हाइट से देख सकते हैं दिस इज 8 फीट हाइट डोर आपका, बहुत ही शानदार इंपोर्टेड माइकी के अंदर आपको लेमिनेटेड ये डोर लगा के दिए जा रहे हैं। लॉक्स की बात करीजिए, लॉक्स की क्वालिटी विच इज वेरी गुड, बहुत ही शानदार आपको हाइड्रोलिक लॉक लगा के दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मैग्नेटिक स्टॉपर्स यूज किए हैं ताकि किसी प्रकार के दरवाजे को नुकसान ना। सो मुझे लगता है रवि और दर्शक भी बहुत खुश होंगे इस खूबसूरत से घर को देखने के बाद। दिस फ्लैट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग, बहुत ही शानदार खूबसूरत सा ये फ्लैट लग रहा है, और हम खड़े अपने फ्लैट की खूबसूरत से जान रोशन इस हॉल के अंदर। सो स्पेस की बात करी जाए दोस्तों, बहुत ही शानदार स्पेस का ये हॉल आपको मिल रहा है इसके अंदर, एक एल शेप की आपकी सिटिंग, एल शेप का अपना सोफा लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार स्पेस है आपको, LCD पैनल इसमें आपको लगा के मिल रहा है, सामने अपनी LED लगा सकते हैं। वॉलपेपर की बात करी जाए तो विच इज वेरी नाइस, वेरी सुपर, बहुत ही अच्छा वॉलपेपर आपको लगा के दिया जा रहा है, इंपोर्टेड वॉलपेपर सारे यूज किए गए हैं। साथ ही साथ स्प्लिट AC का प्रोविजन दिया है, डायरेक्टली आप अपना AC कनेक्ट करेंगे, अब क्वेश्चन होगा AC या कनेक्ट करेंगे देन वेयर इज द स्विचेस एंड बटन्स। दोस्तों डायरेक्टली सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है यहाँ पे, अब डायरेक्टली यहाँ पर हैवेल्स के आपको बटन स्विचेस जितने भी यूज किए गए सारे के सारे हैवेल्स के यूज किए हैं। सो उम्मीद करता हूँ रवि सबकी हर एक की एक ख्वाहिश होती है कि पैसा लगा रहे हैं तो प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है, वर्थी है। फ्लैट के अंदर हर चीज ब्रांडेड मिल रही है आपको। आपको इस फ्लैट की हॉल की खूबसूरती के अंदर जो चार चांद लगा रहे हैं वो है ये खूबसूरत सा शेड लेयर। मुझे लगता है इसके फीचर्स 1, दिस इज द सेकेंड वर्जन एंड दिस इज द थर्ड वर्जन, सो जो इसके साथ मैच कर रहा है वो इसका सेकेंड वर्जन मैच कर रहा है। सो दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत शेल्डर आपको लगा के दिया जा रहा है, जो कि उसकी
थीम को एक अलग सा ही गेटअप दे रहा है। वॉलपेपर आपको सीलिंग में डिजाइन किया गया है, सीलिंग के अंदर मल्टी कलर्स यूज किए हैं, रेड ऑफ व्हाइट, सेम थीम देने के लिए आपको शैंडलियर लगा के मिल रहा है, हेवल्स के फैंस आपको लगा के दिए जा रहे हैं, साथ साथ आपको जो फैंसी लाइट्स आपको लगा के दी जा रही है, विच इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार सी लाइट आपको लगा के दी जा रही है। साथ साथ एलसीडी पैनल के अंदर आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्टोरेज स्पेस आपको दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑल। और सिक्योरिटी की बात करें तो ऑडियो वीडियो सिस्टम आपको लगा के दी जा रही है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ऑडियो वीडियो सिस्टम का पूरा प्रोविजन दिया गया है। डायरेक्टली आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दरवाजे पे कौन है, यहीं से टच स्क्रीन से ओपन कर सकते हैं। सो मुझे लगता है अभी हर फीमेल की जो पसंदीदा जगह, जो खूबसूरत सा किचन, सो बहुत ही वाइड स्पेस, एक कंसर्न, बहुत मेजर कंसर्न होता है जब आप 3 BHK के फ्लैट में आते हैं कि स्पेस कितना है। सो मुझे लगता है इतना वाइड स्पेस देखने के बाद तो सबका मन करेगा इस फ्लैट के ऊपर देखने के लिए। सो बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है, एक वाइड स्पेस है, अपना यहाँ पे फ्रिज लगा सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी, क्योंकि मैंने कोई एज अ स्पेसिफिक प्लेस नहीं छोड़ा उसके लिए कि आपको इतनी हाइट का लगाना है या छोटा लगाना है। सो आप किसी भी साइज का फ्रिज अपना यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पूरा प्रोविजन उसका दिया है। बटन स्विचेस आपके जितने हैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, सारे आपके ब्रांडेड हैं। जो आपकी लाइट्स मैंने यूज की है किचन में, हॉल में, पार्किंग में, तो दोस्तों सारी की सारी लाइट्स आपकी सिस्का की लाइट्स हैं। स्टोरेज की बात करी जाए, देन दिस इज द स्टोरेज स्पेस। अब देखिए कितना शानदार वर्क में आया था हमारा, ये सारा का सारा हाई ग्लॉस वर्क है, बहुत ही शानदार पीवीसी लैमिनेट्स इसमें यूज किए हैं। अंदर आपको पूरी मैट, एक बार मैं इसकी एक बार फिनिशिंग दिखाना चाहूंगा अंदर से भी। किचन तो मॉड्यूलर कहना और मॉड्यूलर बनवाना दो अलग चीजें होती हैं। अब देख सकते हैं सारी फिनिशिंग भी, जो स्क्रूज भी हैं वो सारे के सारे ड्रिल्ड हैं प्रॉपरली। सो ये सब चीजें जब आप हाइड्रोलिक प्रोडक्ट लगा रहे हो, सो ये जो गेटअप है, जो ये फिनिश है, ये अगर आप अच्छी क्वालिटी में लगाएंगे जब भी इस चीज के बारे में पता चलेगा। सो दिस इज द स्पेस फॉर आरओ, आप अपना यहाँ आरओ इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डायरेक्टली ये पानी का कनेक्शन, ये पानी भी चालू हुआ है इसके अंदर। So, ये सारी फैसिलिटीज के अंदर आपको प्रोवाइड की जा रही है। स्पेस अगेन मैं बता रहा था, स्पेस की बात तो बहुत सीरियसली रवि सबका कंसर्न रहता है इस चीज के बारे में। ये बास्केट्स की बात करी जाए तो बास्केट्स बहुत स्मूथ है इसके अंदर, बहुत ही अच्छे स्टोरेज स्पेस के साथ आप देख सकते हैं मल्टीपल स्पेस इसके अंदर आपको मिल रहा है। सो दिस इज गॉर्जियस। तो ये सारी चीज आप मल्टीपल रैक्स मिल रहे हैं, अलग अलग जगह आपको स्टोरेज स्पेस मिल रहा है। देखिए कितने बॉक्सेस हैं इसके अंदर, बहुत सारा अच्छा खासा स्टोरेज का आपका इसके अंदर प्रोविजन एंड द बिग स्पेस, अच्छा सामान रखने के लिए काफी स्पेस इसमें मिल रहा है। और साथ साथ नीचे भी इस चीज का खास ध्यान रखा, आप देखिए नीचे टाइल लगा के दी जा रही है, अब इस वॉल पे सारी टाइल लगी हुई है। ये एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर बात करें हमारे प्रताप बिल्डर्स पे, जी 1 BHK 2 BHK 3 BHK प्रॉपर्टी अवेलेबल है रवि? सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है 1 BHK 2 BHK 3 BHK के, और बहुत जल्द बहुत छोटे टाइम के अंदर आपके सामने हम एक धमाकेदार प्रोडक्ट लेके आएंगे 1 BHK विद लिफ्ट। बहुत जल्दी ये धमाका आपके चैनल पे होने वाला है हमारी तरफ से, और साथ ही साथ लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मैं कुछ प्रॉपर्टीज जो अफोर्डेबल होती है उस पे तो मैं 100% तक करवा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी की बात करें तो इस प्रॉपर्टी में हमारा 80-85% तक का भी लोन अवेलेबल है, इंडिया इन्फोलाइन से, इंडिया बुल से, GIC हाउसिंग से, आदित्य बिरला से, फ्लूट्रॉन से, बजाज कैपिटल, बहुत सारी मेरे पास NBFCs हैं जहां से आराम से लोन हो सकता है बिना किसी समस्या के, और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। कस्टमर के पेपर ठीक होने चाहिए, सिविल खराब नहीं होना चाहिए, बस बात। लोकेशन भी एक बार बता दो हमें। लोकेशन ये हमारी भगवती विहार मेन रोड की लोकेशन है, भगवती विहार मेन रोड पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है, 35 फीट वाइड रोड की ये साइट है, और 3 BHK 2 WL लिफ्ट कार पार्किंग के साथ है। मुझे लगता है इस खूबसूरत से फ्लैट की चर्चा हम इस लास्ट में फिर दोबारा करेंगे। बिल्कुल, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट बेडरूम। आइए, ये है हमारा सबसे पहला बेडरूम, मास्टर बेडरूम है, जिसके अंदर हमें मिल रहा है एक अटैच्ड वॉशरूम, बहुत ही शानदार स्पेस का आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेशियस वॉशरूम, जिसके अंदर आप टाइल कॉम्बिनेशन देखिए, एक एक टाइल आपकी शैम्फर्ड करवा के लगवाई जा रही है। दोस्तों नॉर्मल टाइल्स नहीं है, HD टाइल्स है और शैम्फर्ड करवा के लगवाई जा रही है, बहुत खूबसूरत अपीयरेंस उसका। आप फॉल सीलिंग देखिए, सीलिंग के अंदर भी आपको सारी लाइटिंग लगा के दी जा रही है, सारी की सारी दोस्तों लाइट अगेन
बोलना चाहूंगा सारी की सारी लाइट्स आपकी सिस्का की है, जितनी भी लाइट्स हैं सारी की सारी सिस्का की लाइट्स है। और वेंटिलेशन की बात करी जाए तो ये आपका वेंटिलेशन के लिए हमने एग्जॉशन पॉइंट इसमें दिया, आपकी वॉल माउंटेड सीट आपको यहां पर लगा के मिल रही है, ब्रांडेड सैनिटरी आपको सारी की सारी लगा के मिल रही है। सो बहुत ही खूबसूरत सा बेडरूम, जिसकी वॉलपेपर की बात करी जाए वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार वॉलपेपर है, बहुत प्यारा वॉलपेपर है, स्पेस बहुत अच्छा है, तकरीबन 11-11.5 फीट वाइड बेडरूम है, सेंटर में बेड लग जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ मैंने दोनों तरफ बेड के स्विचेस दे रखे हैं, आपको लैंप्स लगाना है, आपको कुछ भी कोई भी अपना इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लगाना है, फोन चार्ज करना है, सो दोनों तरफ चार्जिंग पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। बेडरूम स्पेस इज वेरी नाइस, खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने फॉल सीलिंग, जो बहुत ही क्लासी फॉल सीलिंग हमारी बनी हुई है, मॉडर्न डिजाइन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और हमारा हैवेल्स का फैन तो ऑब्वियसली इसकी खूबसूरती और एनहांस कर देता है। एलईडी लाइट बहुत अच्छी उसमें लगा के दी जा रही है, साथ साथ जो कॉम्बिनेशन है वेरी नाइस, फैंसी लाइट आपको लगा के मिल रही है। अब दिखाते हैं रूम का आपको वेंटिलेशन कितना अच्छा है, देखिए आप कितना शानदार इसमें वेंटिलेशन आ रहा है, नेचुरल लाइट बेडरूम के अंदर आ रही है, आपको ट्रिपल लेयर इसके अंदर प्रोटेक्शन मिल रही है। अब देखिए जाली लगा के मिल रही है इसके अंदर, साथ में आयरन का पार्टीशन है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं ग्लास का पार्टीशन है, सो तीन इसके अंदर बाउंड्रीज है, व्हिच इज वेरी नाइस। अगेन यहां पर आपको विंडो एसी का प्रोविजन दिया गया है, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपने एसी लगाना अंडरग्राउंड वायरिंग और ऑलरेडी आप ऊपर कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली और यहां से ऑन करेंगे, सो ऑलरेडी सारी वायरिंग डन है। अब देखिए अगर आप हर बेडरूम के अंदर हमने एलसीडी का प्रोविजन दिया, अगर आप एलसीडी लगाना चाहते हैं यहां पर भी तो ऑलरेडी अंडरग्राउंड वायरिंग करी जा चुकी है, किसी प्रकार की समस्या नहीं, सो बहुत अच्छा बेडरूम। सो अब आपको लेकर चलते हैं इसके बाद हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ, आइए। सो रवि उम्मीद करता हूं इसको भी देखने के बाद सबका दिल खुश हो जाएगा। एक सबसे बड़ा यूएसपी इस बेडरूम का, इस बेडरूम का स्पेस बहुत ही शानदार, वाइड स्पेस का बेडरूम है, जिसके अंदर आप बेड की प्लेसमेंट इस वॉल पे करना चाहें, इस वॉल पे करना चाहें, अपनी अलमीरा प्लेस करना चाहें, ड्रेसिंग लगाना चाहें, आप किसी तरीके से इसका प्लेसमेंट कर सकते हैं। बहुत ही वाइड बेडरूम है, बहुत शानदार स्पेस का बेडरूम है, दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट दिए हैं, साथ ही साथ एक वेंटिलेशन हॉब दिया है साइड में, ताकि अगर आप अपना एग्जॉस्ट सोलर लगाना चाहें यू कैन डू इट। सो बहुत शानदार वॉलपेपर, खूबसूरती बढ़ाने के लिए लाइट कलर इसमें यूज किया गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है जो की, और साथ साथ आप सीलिंग देख सकते हैं, सीलिंग बहुत ही क्लास सीलिंग हो रखी है इसके अंदर, और उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए वॉलपेपर उसमें जो लगाया गया है उससे और ज्यादा प्यारा लग रहा है। सो जो आपका अंदर हमारा बेडरूम है तो हमने स्प्लिट का प्रोविजन दिया है, हैवेल्स का फैन आपको लगा के दिया जा रहा है, और बहुत वाइड स्पेस में, साथ साथ आपको फैंसी लाइट लगा के मिल रही है इसके अंदर, विच इज अगेन लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो ऑल ऑफ द रूम साइज इज गुड, द वॉलपेपर इज वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और सीलिंग ऑब्वियसली हर फ्लैट के हर रूम के अंदर हम कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, हर बार कुछ ना कुछ लेके आते हैं। सो मुझे लगता है ये भी बेडरूम इसका भी जो आपकी डिजाइनिंग है बहुत प्यारी लगी हुई। अब आपको दिखाते हैं अपना थर्ड बेडरूम, जो कि हमारा बालकनी से अटैच है, जो कि अगेन स्पेस के मामले में उतना ही खूबसूरत और वाइड स्पेस बेडरूम है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। सो मुझे लगता है रवि कंसर्न होता है ना कि हाँ हमारा जो सबसे बालकनी वाला रूम है कितना वाइड है, कैसे 12 फीट का वाइड रूम है, 12 फीट का, और अगेन बेडरूम की जो थीम का पार्ट दिया गया है बॉटम से लेकर टॉप तक आप देख सकते हैं, इसमें इस अलमीरा में कहीं पे भी पेंट यूज नहीं है, बॉटम से लेकर रूफ तक आपको अलमीरा बना के दी जा रही है। और दोस्तों ये भी बता देते हैं, हमारी तरफ कई बार कंसर्न होता है कि भैया अगर हम एडिशनल अलमीरा बनवाना चाहते हैं या कुछ भी है तो इज इट पॉसिबल, दोस्तों कुछ भी एडिशनल वर्क करवाना होता है यू कैन टेल अस, दैट विल बी डन, ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर से करवाएंगे लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आती तो कुछ किसी भी कस्टमर को कुछ भी एडिशनल बनवाना होता है हम उनको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज आर ब्यूटिफुल जो इम्पोर्टेड वॉलपेपर विच इज लुकिंग वेरी यूनिक, बहुत ही सोबर सा है, और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो फॉल सीलिंग का जो लुक है, जो अपियरेंस है, विच इज वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगेन आपको हैवेल्स का फैन इसमें भी लग के मिल रहा है, फैंसी लाइट आपको उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए फैंसी लाइट आपको लगा के दी जा रही है। सो दिस इज लुकिंग वेरी नाइस, और अब आपको दिखाना चाहूंगा खूबसूरत सी फ्लैट की बालकनी। अब आप देखिए बहुत ही शानदार नेचुरल वेंटिलेशन के साथ आपको ये मिलता हुआ बहुत ही प्यारी बालकनी इसके अंदर। वॉशिंग एरिया दिखाना चाहूंगा एक बार फ्लैट का, वॉशिंग एरिया बहुत अच्छा है, काफी स्पेशियस वॉशिंग एरिया है, और बॉटम से लेकर टॉप तक
आपकी टाइल्स लगा के दी जा रही है ताकि जब आप कपड़े धोते हैं इस ऑब्वियसली इसमें सेलन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा सेकंड फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, अपर ग्राउंड से ऊपर वाला। सो हमारे पास एक्चुअली मेरा भी दो फ्लैट बचे हैं, एक फर्स्ट फ्लोर एक सेकंड फ्लोर। और आप देख सकते हैं इसके अंदर अगेन हमारा इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है और टैप भी, आप देखिए पानी चालू है तो टैप कनेक्शन यहाँ पे दिया गया। कपड़े धोने के बाद सुखाने का पूरा प्रोविजन दिया गया, रस्सी वगैरह आपको लगा के मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीलन की कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमने बॉटम से लेकर टॉप तक पूरी टाइलिंग का सिस्टम कर रखा है। अब देखिए हर बेडरूम मैंने आपको दिखाया था, सो दीज आर द फोर वायर्स जो कि 1, 2, 3 और 4, टोटल 3 कमरे और एक हॉल, चारों के अंदर से मैंने केबल की वायर यहाँ बाहर निकलवाई हुई है। तो दोस्तों बहुत बारीक चीजें हैं नोटिस करने वाली है, ये चारों की वायर्स निकली हुई है। एक आपका हॉल में स्प्लिट एसी का प्रोविजन था, एक अंदर वाले कमरे में स्प्लिट एसी का प्रोविजन था, तो सारी वायर्स निकाली हुई है ताकि बाद में ये सब काम नहीं हो सकती। ये सारी चीजें अंडरग्राउंड पहले ही करवा के हमने आउटर में निकाल दी ताकि आपको किसी प्रकार की तोड़फोड़ ना करवानी पड़े। सारा कुछ जो ये इतना खूबसूरत सा घर है दोस्तों, ऑब्वियसली बात है आप सोचो कि अगर कोई स्प्लिट एसी की वायरिंग निकलवा रहा है या कोई अंडरग्राउंड इसमें वायरिंग अगर मिस हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी खूबसूरती पे दाग लग जाएगा। बिल्कुल, अगर आप घर खरीदते हो तो आपको कुछ नहीं करवाना करते दोस्तों। कोशिश अपनी तरफ से ये रहती है कि हर बार कोई भी अगर चीज हमसे छूट गई, ऑब्वियसली वी आर इंसान, कहते ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, कुछ ना कुछ नया यूनिक करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि कोई कमी बेशी बीइंग अ ह्यूमन हमसे रह जाती है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं हर बार आपके लिए। सो ये हमारा खूबसूरत सा हमारा जो बेडरूम था। अब आपको दिखाना चाहूंगा फ्लैट का कॉमन वॉशरूम जो कि बहुत ही शानदार थीम, जो हमारा फेवरेट थीम है ब्लैक एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन। चेकमेट के अंदर सेम ग्राउंड पे भी आपकी जो मैट फ्लोरिंग जो एंटी स्लिप टाइल्स हमने यूज की है, और साथ साथ आप देख सकते हैं वेंटिलेशन की बात करी जाए तो हमारा जो वेंटिलेशन शाफ्ट हमने इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया ताकि एग्जॉशन की समस्या नहीं आनी चाहिए। और साथ साथ सैनिटरी की बात करी जाए तो सैनिटरी आपकी सारी की सारी फुल ब्रास की सैनिटरी है, और ये सारी की सारी सैनिटरी जो आपकी ब्रांडेड है, कोई समस्या नहीं है। तो क्योंकि जो हॉल ब्रश होती है उसमें जंग लगता ही नहीं है, सो हर चीज का खास ध्यान रखते हुए तो ये हमारा खूबसूरत सा 3 BHK का फ्लैट है और 3 बेडरूम 2 वॉशरूम लिफ्ट कार पार्किंग के साथ है। सो उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को हमारे पसंद आया होगा, और काफी क्वेरीज होंगी इस बार कि इतना खूबसूरत सा फ्लैट है तो प्राइस, राइट? बिल्कुल सर, तो सबका कंसर्न ये प्राइस ही रहता है कि इतना खूबसूरत फ्लैट है कहाँ लोकेटेड है। तो हमने काफी चर्चा तो करी थी बट दोबारा से एक बार कह रहे थे कि 3 बेडरूम 2 वॉशरूम लिफ्ट कार पार्किंग के साथ फ्लैट है, भगवती विहार मेन रोड की ये प्रॉपर्टी है, 35 फीट वाइड रोड पे ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है, और उत्तम नगर ईस्ट से कनेक्टेड है, दशरथपुरी से भी कनेक्टेड है, डीडीए पार्क के पास में है, द्वारका कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, बस टर्मिनल उत्तम नगर ईस्ट मधु विहार दोनों तरफ से कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल स्कूल की कनेक्टिविटी द्वारका से। सो जो पेट्रोल पंप जो की एक अगेन क्वेश्चन मार्क रहता है यार ये सब चीजें कहां मिलेंगी, सो दोस्तों नियर बाय सराउंडिंग ऑफ 1 and 1.5 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको सारी की सारी अमेनिटीज प्रोवाइड हो जाएंगी। सो दोस्तों इसकी दाम और इसकी कीमत की जिसकी वेट सब कर रहे थे, सो 35 लाख रुपए का फ्लैट है, 35 लाख का फ्लैट, 3 बेडरूम का 2 वॉशरूम के साथ, लिफ्ट कार पार्किंग के साथ, और लोन फैसिलिटी की बात करी जाए 80 से 85% लोन फैसिलिटी इस पर प्रोवाइड करी जा रही है। सो किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किराया का साथ छोड़ दो, घर बना लो, नया साल 20 दिन पुराना हो चुका है। सो उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को एक चीज और बोलना था मनु भाई, बोलिए प्लीज, कि अगर कोई प्रॉपर्टी बाई करना था इस प्रॉपर्टी को जी, अगर वो दिल्ली से आउटसाइड से है तो परचेज कर सकता है, बिल्कुल परचेज कर सकता है। अगर दिल्ली से बाहर भी आप जॉब करते हैं तो आप हमें कॉल करके हमें अपनी कंसर्न लोकेशन बता सकते हैं, हम उस पर लोन वर्कआउट करवाते हैं। कुछ लोकेशंस होती हैं जहां पर नहीं पॉसिबल होता, बट ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैंने अगर आप मल्टीपल लोकेशंस की बात करी जाए तो पंजाब से, हरियाणा से, बेंगलोर से, पुणे से, मुंबई से, मुझे लगता है इतनी इन लोकेशन से, गुजरात से, इन लोकेशन से तो मैं लोन करवा के लोगों को यहाँ लोकेट करा चुका हूँ। शायद मेरे जो दर्शक देख रहे होंगे उनमें से कुछ लोकेट लोग वो भी होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी है अभी रिसेंटली, मल्टी सिटीज से आके लोग परचेज करके जा रहे हैं, लोन करवा रहे हैं, और बिंदास इनफैक्ट इसी बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग हैं जो कि दिल्ली से बाहर से बिलोंग करते हैं, जिनको मैंने फ्लैट यहाँ पे प्रोवाइड किया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हम तो एफर्ट्स करते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, कोशिश पूरी करते हैं हर एक इंसान के लिए दोस्तों, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट करते हैं ताकि आपकी चीज आपको प्रोवाइड कर सके।
सो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको हमारी प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। स्क्रीन पे दिए नंबर पे देख के हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है। रवि भाई के चैनल को प्यार देते रहिए और इसी तरह का लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू भाई।